मैं प्रेग्नेंट हूँ, माँ बनने वाली हूँ। आदि और मैं फिर से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, है ना गुड न्यूज? जानी मैं जानता था निशा हम दोनों को अलग करने के लिए कुछ ना कुछ करेगी, इसलिए जब वो डॉक्टर से बात कर रही थी मैं समझ गया वो कोई ना कोई घटिया हरकत करने वाली है। मुझे ट्रस्ट कर दिया। मैं आप पर खुद से भी ज्यादा भरोसा करती हूँ। मैं बहुत खुश हूँ काको साहब, जानवी आदि की लाइफ से दूर चली गई है, अब मैं जानती हूँ आदि और मेरे बीच सब ठीक हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच काको साहब, आपने मेरी बहुत मदद की है। मुझे लगता है तुम बहुत जल्दी खुश हो रही हो। अगर भाभी सा की तबीयत ठीक हो गई, आदि ने उसका ट्रीटमेंट कराया तो क्या होगा, हम दोनों की सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। हेलो आदि। हाँ बेटा, क्या हुआ, क्या बोला डॉक्टर ने? डॉक्टर कह रहे हैं कि ट्रीटमेंट से वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। क्या, इलाज होने के बाद आशा एकदम ठीक हो जाएगी? ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा। जी बाबा, बस कुछ टेस्ट करवाने हैं उनके। हाँ हाँ बेटा, मैं अभी लेके आता हूँ। मेरी आशा ठीक हो जाएगी तब तो बेटा उसे ये भी याद आ जाएगा कि उसे इतने साल किसने हमसे इतना दूर रखा और ऐसी हालत किसने की उसकी। बाहर ड्राइवर और गाड़ी, आप प्लीज माँ को लेके वहां पहुंच जाइए। बस निकल रहा हूँ, चलो हम लोग तैयार होके निकलते हैं, आ जाओ। अब मुझे वही करना होगा जो मैं नहीं करना चाहता था। मतलब? भाभी सा को मरना ही होगा, लेकिन ये एक्सीडेंट लगना चाहिए। मैं किसी के मर्डर का इल्जाम अपने सर पर नहीं ले सकता। भाई सा और भाभी सा कभी साथ में खुश नहीं रह सकते, पर मैं ऐसा होने भी नहीं दूंगा। काकू साहब, पर आप ऐसा क्यों करना चाहते हैं अचानक? क्या मैं भाभी सा उर्फ आशा को कभी मारना नहीं चाहता था, उसे जिंदा रखना चाहता था। इसलिए जिंदा रखना चाहता था कि अपनों से बिछड़ने का दुख क्या होता है वो अपनी आंखों से देखे। वो दुख जो मैंने झेला है, वो दुख जो इतने साल मैंने सहा है। काकू साहब, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, प्लीज प्लीज मुझे साफ साफ सब कुछ बताइए। मेरी एक बेटी थी माई। क्या? वो उस वक्त सिर्फ 3 साल की थी, मुझे अच्छी तरह से याद। जन्माष्टमी का दिन था, शारदा और ये भाभी सा आशा आदि और माही को लेकर बाहर घूमने गए थे। आदि शारदा के साथ और माही आशा के साथ, लेकिन उस बुढ़िया आशा की लापरवाही की वजह से उसने माही का हाथ छोड़ दिया और माही घूम गई। उस दिन मेरी बच्ची मुझसे बिछड़ गई और फिर कभी नहीं मिली। मेरा परिवार बिल्कुल टूट गया था। ये सब उस बुढ़िया आशा की लापरवाही की वजह से हुआ था शारदा, लेकिन उदार दिल की थी, धीरे धीरे वो ये सब भूल गई और आदि में अपनी ममता उड़ेलने लग गई। उसने आशा को भी माफ कर दी कि मैं ये नहीं भूल पाया और ना ही भूलाऊ। मैंने उस दिन तय कर दिया था कि आदि भाई सा और भाभी सा को ऐसी चोट पहुंचाऊंगा जो उन्हें जिंदगी भर याद रहेगी। अपनों से बिछड़ने का दुख क्या होता है, उसका एहसास क्या होता है, मैंने क्षण क्षण में उन्हें याद दिलाऊंगा। उनकी जिंदगी में सुख ना है ये मैंने डिसाइड कर लिया था, और आइंदा भी ऐसा ही होगा। इसलिए मैंने आशा का एक नकली एक्सीडेंट करवाया। सबको लगा कि आशा मर गई, ऐसा आधे पागल से हो गए थे। ये सही मौका, अपनी पत्नी के बिछड़ने के गम में वो आधे पागल हो गए थे। उसके बाद मैंने धीरे धीरे उन्हें इंजेक्शन देने शुरू कर दिए। आधे पागल से तो ऑलमोस्ट पूरे पागल हो गए, लेकिन आशा को मैंने पहले 7 साल अपनी कैद में रखा पूरे होशो आवाज। वो 7 साल हर रोज पूरे होशो आवाज में वो तड़पती थी, अपनों से मिलने के लिए तड़पती थी, और बार बार मैं उसे इस बात का एहसास दिलाता था कि अपनों से बिछड़ने का दुख क्या होता है। ये मुझे देखो, अपने आप को देखो आशा। 7 साल के बाद जो इंजेक्शन मैं भाई साहब को देता वो इंजेक्शन मैंने आशा को देने शुरू, और आज उसका यहाँ। अगर सब कुछ आपके प्लान के हिसाब से चल रहा था तो फिर इस तरह बाबा साहब को इंजेक्शन देने की क्या जरूरत थी? आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि आप सबकी नजरों में आ जाएंगे? यू छुप छुप के घर में सबके होते हुए अगर आप उनके कमरे में जाएंगे तो? और वही हुआ, आपने इसके बारे में कभी सोचा नहीं?
जानवी। इसका कारण सिर्फ और सिर्फ जानवी है। सबसे पहली बात, जानवी जब से इस घर में आई, आदि की जिंदगी में एक नई खुशी आ गई और बाबा साहब को एक दोस्त, एक हमदर्द। मैं कभी नहीं चाहता था कि इनकी जिंदगी में खुशियां आए। उसके साथ साथ जानवी भाई साहब के सारी दवाइयां चेक करने लग गई। मेरे लिए बहुत मुश्किल था कि अब मैं उन्हें इंजेक्शन कैसे दूं। मैं देख रहा था कि क्षण भर में मेरे जिंदगी भर का प्लान बस क्यों ऐसे उड़ गया। मुझे कुछ करना, इसलिए मैंने ये रूप धारण किया और रात को छुप छुप के मैंने वो इंजेक्शन उसे फिर से देना शुरू किया। हाँ सुनो, एक और शख्स के डिटेल्स तुम्हें भिजवा रहा हूँ। हाँ, उसे भी किडनैप करना और उसी जगह पर लेके आना। मैं वहां पहुंचता हूँ। ओके, चल वहां जाके तैयारी करनी। अंदर बैठ जाओ, संभाल के संभाल के। ये बैग ये लो, मैं जरा प्रिस्क्रिप्शन लेके आता हूं। और कोई ऑप्शन नहीं है मेरे पास, काकोसा की मदद करनी होगी मुझे। ड्राइवर सुनो, आप माँ को लेके डॉक्टर के पास जाइए। बस बड़े साहब आ जाए, वो दवा का पर्चा अंदर लेने गए। आई नो वो गए हैं, लेकिन आदि की बात हो गई है, वो डायरेक्टली आदि के साथ आएंगे। ठीक है, तो आप लेके फटाफट जाइए। हेलो जानवी, जानवी सब कुछ प्लान के हिसाब से हो रहा है। मैंने माँ के बैग में लोकेशन ट्रैकर रख दिया। आई एम श्योर निशा उन्हें फॉलो करेगी। बस एक बार पता चल जाए कि ये साया कौन है, कौन है जो निशा की हेल्प कर रहा है या फिर निशा जिसकी हेल्प कर रही है। डोंट वरी आदित्य, आज निशा पकड़ी जाएगी। निशा ने माँ को किडनैप किया है, लेकिन माँ उसे कैसे मिली ये आई थिंक साया से ही कनेक्टेड है। डोंट वरी, हमारा प्लान बिल्कुल सही जा रहा है। राइट, बट देखो निशा हमारे प्लान में फंस तो गई है, बट यू बी केयरफुल। अगर उसने तुम्हें देख लिया ना, तो तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगी। डोंट वरी, मैं अपना ख्याल रखूंगी। आप बस माँ की लोकेशन मुझे ट्रैकर से ट्रैक करके बताते रहिएगा। ओके ओके, बट प्लीज अपना ध्यान रखना जानवी। बाय। आदित्य, आपने बिल्कुल सही कहा था, हम प्लान के हिसाब से चल रहे हैं। निशा माँ की गाड़ी को ही फॉलो कर रही है। तुम प्लीज अपना ध्यान रखना जानवी। डोंट वरी आदित्य, मैं माँ को कुछ नहीं होने दूंगी। एंड मेरी ड्राइवर से अभी बात हुई है, वो प्रभा देवी पहुँचने वाले हैं शायद, मैं फॉलो कर रही हूँ। जानवी गाड़ी से थोड़ा डिस्टेंस बना के रखना, निशा रेव्यू मिरर में तुम्हें देखना नहीं। We'll be right back.
आदित्य, माँ और निशा की गाड़ी आगे निकल गई, मेरी स्कूटी स्टार्ट नहीं हो रही है, मैं फंस गई हूँ इधर। लेफ्ट लेफ्ट, हाँ ओके। सुनो, गाड़ी दादर सिग्नल से लेफ्ट जा रही है। हाँ आदित्य, अब मुझे माँ की गाड़ी कहीं दिखाई नहीं दे रही है, पता नहीं कहाँ चले गए। एक मिनट, मैं देखता हूँ। माँ जी चलिए यहाँ से, यहाँ कुछ ठीक नहीं, आप चलिए मेरे साथ, आइए आराम से। अरे ट्रैकर बंद कैसे हो गया? जानवी ट्रैकर बंद हो गया। सुनो मैं तुम्हें फोन करता हूँ, पहले ड्राइवर को फोन करना पड़ेगा मुझे। ड्राइवर फोन क्यों नहीं उठा रहा? जानवी ट्रैकर बंद हो गया, ड्राइवर फोन नहीं उठा रहा। तुम्हें गाड़ी दिख रही है कहीं? नहीं, मुझे नहीं दिखाई दे रही कहीं पे भी गाड़ी इनकी, क्या करूं? कहीं निशा माँ के साथ? छोड़ो जानवी, जब ट्रैकर बंद हुआ तो गाड़ी इसी एरिया में, और ढूंढते हैं, चलो जल्दी आओ। ट्रैकर के हिसाब से गाड़ी लास्ट इस एरिया में, आगे देखते हैं। दीपक गाड़ी वाली रामदास, माँ को कहाँ ले जा सकती है? आदित्य टायर के निशान, शायद निशा की गाड़ी इधर गई हो, हम एक बार जाके चेक कर लेते हैं। हाँ Oh.
अच्छा हुआ जो मुझे घर पे ही तुम्हारी सच्चाई पता चल गई थी और मैंने तुम्हारा यहाँ तक पीछा किया, वरना पता नहीं तुम भविष्य के साथ क्या करती। क्या कह रहे हैं आप काकू सर? मैं अभी पुलिस को बुलाता हूँ। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं पुलिस को बुला चुका हूँ। माँ आप ठीक हैं? काकू साहब ये आदि गलत है, देर रुको। काकू साहब मुझे फंसाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? देखिए मैं आदि, ये सारा प्लान काकू साहब का है। आदि मैंने तुम्हें कहा था ना कि जब तुम्हें सच्चाई पता चलेगी तुम सहन नहीं कर पाओगे। वो साया जो घर में रहता था, बाबा साहब को परेशान करता था, वो और कोई नहीं, वो काकू साहब है। वो साया काकू साहब है। बकवास, बस हुआ। तुमसे सिवाय धोखे के और की उम्मीद नहीं की जा सकती निशा। अब मैं इतने दिन तुमने जानवी का इस्तेमाल किया, उस पर इल्जाम लगाए और अब मुझ पर इल्जाम लगा रही हो। इंस्पेक्टर साहब पकड़ लीजिए इसे। यही है वो निशा जिसने इतने साल हमारी भाभी सा को कैद में रखा। अब मैं कह रहा हूं आप पकड़ लीजिए इसे। नहीं एक मिनट, मैं तो यहाँ वो काकू साहब को समझ नहीं आ रहा है, वो गलतफहमी हो रही है उनको। मैं यहाँ अपनी मदर इन लॉ को बचाने आई थी, वो भटक गई थी ना, उनकी तबीयत ठीक नहीं है इसीलिए। आवाज बंद करो, सब कुछ इसी ने किया, प्रूफ है मेरे। जिस गाड़ी से तुमने आंटी को किडनैप किया ना, उसमें ट्रैकर लगा जिसमें तुम साफ दिखाई दे रही। नहीं आप मुझे नहीं, आप आदि शुक्र है भगवान का कि सही वक्त पर मैं यहाँ पर पहुंच गया। वरना पता नहीं ये निशा भाभी साहब के साथ क्या करती है ना। दूर हो जाओ, कोई मेरे पास मत आना। निशा छोड़ो, कोई मेरे पास नहीं आएगा, मैं किसी को भी काट सकती हूँ। निशा रुक जाओ, क्या कर रही हो तुम? आदि मेरे पास मत आना, देखो प्लीज दूर हो जाओ, वरना मैं किसी को भी मारूंगी। जानी नहीं, छोड़ मुझे निशा। आदि मैं मार दूंगी तुम्हें। आदि छोड़ दो, छोड़ दो, चुप तुम मुझे। छोड़िए मुझे, नहीं ये गलत हो रहा है, आप लोगों को पूरी बात नहीं पता। छोड़िए मुझे आदि, तुम्हें कुछ नहीं पता आदि, प्लीज आदि काकू साहब।